आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं किसान इंटर कॉलेज बिरधा, जो कि एक वित्तहीन विद्यालय है और ग्रामीण परिवेश में है। इनके प्रधानाचार्य और जो 12th क्लास में यूपी बोर्ड टॉपर यहाँ ललितपुर ज़िले में आरती कुशवाहा, तो इंटरमीडिएट की छात्रा है साइंस साइड से। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आरती कि आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए और ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान वर्ग से 85% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो जो इतने अच्छे अंक आपने पाए हैं, इसके लिए आप किसे श्रेय देना चाहती हैं? मैं इसका श्रेय अपने प्रधानाचार्य और समस्त गुरुओं को देना चाहूँ। और आरती, एक सवाल और है मेरा कि आपने लगभग कितने घंटे पढ़ाई की जिस कारण से इतनी सफलता की ओर आप पहुँची? मैंने 16 घंटे पढ़ाई की। 16 घंटे तो विद्यालय रेगुलर आई हैं आप, तो ये आरती हैं। और आरती, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके पिताजी हैं उनका कैसा सहयोग रहा और माता पिता का, भाई का, सबका? उन्होंने मेहनत करके खूब सहयोग किया, उनका आशीर्वाद रहा हमारे साथ। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और आप एक लड़की हैं, चूँकि बहुत सारे विद्यालय हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों के लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, बस मेहनत करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकती हैं। आज हमारे बीच डाइट से पधारे हैं माननीय भजनलाल कुशवाहा जी, प्रशासनिक अधिकारी हैं। सर, आप यहां सम्मानित करने बालिका के लिए आए हैं, आप क्या कहेंगे सर? किसान इंटर कॉलेज की छात्रा ने जिले में प्रथम स्थान पाया है, इसलिए इस मेघावी छात्रा को सम्मानित करने का मेरा मन बना, उसी में यहाँ चला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्रधानाचार्य जी से बात करना चाहूँगा। प्रधानाचार्य जी, ये जो आज इस मौके पर कि पिछले वर्ष और जो और भी पिछले वर्ष रहे हैं उनमें भी आपके विद्यालय से बहुत सारे छात्र ऐसे हुए कि जो मेधावी रहे और जिले की जो टॉप 10 की सूची बनती है उसमें बच्चे पहुंचे हैं, तो आप क्या कहना चाहते, क्या संदेश देना चाहते? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, वित्तहीन विद्यालय है, लेकिन यहाँ का शैक्षिक वातावरण, यहाँ के जो हमारे योग शिक्षकगण हैं उनके सहयोग से इन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं और यहाँ जो कक्षाएं हैं वो विधिवत निरंतर चलती हैं। यहाँ पर कक्षाओं में विद्यालय में जो विद्यार्थी आते हैं, एक बार विद्यार्थी यहाँ आ जाए तो निश्चित तौर पर वो सफल तो होता ही है। विद्यालय के छात्र हर वर्ष अच्छे से अच्छे अंक पाते हैं और टॉप 10 की सूची में इस वर्ष जो इंटरमीडिएट में 6 और हाई स्कूल में 1 छात्रा ने टॉप 10 सूची में स्थान बनाया है। लगभग पिछले वर्ष थोड़ा हमारा ग्राफ गिरा था, जिसमें 3 विद्यार्थी आए थे, उसके पहले भी हमारे 7 विद्यार्थी रहे हैं। अगला हमारा प्रयास भी यही रहेगा, क्योंकि अभी से जिनको 2020 में टॉप 10 में अपने नाम दर्ज कराना है उनकी सूची आ गई है, उनकी तैयारी प्रारंभ हो गई है, उनके विषय अध्यापक कक्षा अध्यापक को उनकी जिम्मेवारी सौंप दी गई है। इसके अलावा भी हमारा विद्यालय जो कक्षा मंच और मैदान का क्षेत्र है उसमें भी हमारे विद्यार्थी विदेश में खेलकूद में स्थान रखते हैं, कला क्षेत्र में भी राज्य स्तर पर अपना स्थान रखते हैं, संगीत में जो इसी हमारे पास में खड़े हुए हैं पंडित श्री शालिग्राम जी शर्मा, जो जिनका अपना प्रयास रहता है संगीत में, और बड़ी बड़ी सभाओं में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी की सभा में भी उन्होंने 11,000 का पुरस्कार पाया था, इस विद्यालय को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। तो हमारा तो कहना ये रहा कि एक बार प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ जाते तो उनकी भी संगीत के क्षेत्र में ये पहुंचा के इस विद्यालय का नाम राष्ट्र स्तर पर पहुंचाते, तो ये अवसर नहीं मिल पाया है, भविष्य में मिलेगा निश्चित तौर पर। और हमारे कला अध्यापक, गणित अध्यापक, जो भी जिस क्षेत्र के हैं, बड़े प्रतिभावान हैं, और उन्हीं के सहयोग से हमें उपलब्धि प्राप्त होती है। हमारा तो मात्र विद्यालय में अनुशासन और शैक्षिक वातावरण का सृजन करना ही हमारा कार्य रहता है, शेष कार्य तो हमारे गुरुजन ही करते हैं। आरती, ये बताएं कि आप जो शिक्षा में आगे हैं इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें आप रुचि रखती हैं? संगीत है, नृत्य है और कला, मूर्ति कला, रंगोली वगैरह। जो आप संगीत सीखा है आपने, तो इसका श्रेय आप किन्हें देंगी, किनके सानिध्य में आपने संगीत सीखा? सर शालिग्राम शर्मा जी।
सर आपने संगीत में भी निपुण बनाया है और मुख्यमंत्री के मंच पर आपने इन विद्यार्थियों को भेजा है, तो सर आप मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि कुछ जो भी आपके भाव हैं वो रखें। ये हमारा इस विद्यालय से बहुत पुराना नाता है, यहीं पर मैं पहले शिक्षक था, लेकिन आज 20 साल पहले विद्यालय को जो है छोड़ करके मैं परसदी विद्यालय में अध्यापक हो गया। यहाँ तक ये कहूँ मैं कि संस्थापक अध्यापक के रूप में मैं यहाँ था जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ तब से। शिक्षा के साथ साथ संगीत का गुण मेरे अंदर था, तब से लेकर मैं विद्यालय में लगातार संगीत की जो है कार्यक्रम चलाता रहा। आरती जो ये है ये भी मेरी संगीत सांस्कृतिक दल की एक सदस्य है। ये जो है विभिन्न बड़ बड़ी मंचों पर इसके साथ हमने कार्यक्रम दिया सफलता के साथ, यहाँ तक कि आगे चलते चलते कैसे ये हारमोनियम सीखी ये मैं भी नहीं जान सका। और जब मैंने प्रेयर असेंबली में यहाँ विद्यालय में देखा उस समय ये हारमोनियम बजा करके प्रेयर करा रही थी, मुझे बड़ा जो है प्रसन्नता हुई। आज इसकी सफलता पर मैं गौरवान्वित हूँ। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शर्मा जी और यहाँ के समस्त योग्य गुरुजन कर्मवीर अध्यापकों के प्रति मैं अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर मेरे बगल में खड़े हुए श्री कुशवाहा जी जो डाइट ललितपुर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने इस पर प्रतिभा का सम्मान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन आज रखा। ये इस तरह की प्रतिभाएं खोज खोज करके आप उन्हें सम्मानित करते हैं अपने व्यक्तिगत खर्च पर निजी खर्च पर, ये भी बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। मैं पुनः बच्ची के सफल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी।